हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ लीना एंड मैं आज का दिन ब्लॉग करने वाली हूँ, क्योंकि आज का दिन है खास मेरे लिए। खास इसलिए क्योंकि फाइनली मेरा पीछा किसी चीज़ से छूटने वाला है आफ्टर लाइक ऑलमोस्ट 2 मंथ्स। तो ये बहुत बड़ा टाइम था जो मैं इसके साथ काट रही थी। तो ये बहुत लंबा टाइम था जो मैं एक अनवांटेड सी चीज़ के साथ काट रही थी, बट फाइनली दैट फेज इज गोना गेट ओवर नाउ एंड फाइनली आई एम गोना गेट रिड ऑफ द सो फाइनली आई एम गोना गेट रिड ऑफ दिस कास्ट। ये आई एम लाइक प्रीटी मच एक्साइटेड अबाउट दिस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो। ओके, सो योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो एक मोटिवेशन भी बढ़ता है कि नहीं और वीडियोस बनाने हैं। ओके, एनीवेज, सो पहले तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था, बट ऑल ऑफ अ सडन आई थॉट एंड आई डिसाइडेड नो आई शुड व्लॉग दिस डे, बिकॉज आफ्टर ऑल इतनी बड़ी बला मेरे सर से टलने वाली है फाइनली। तो हाँ, ब्लॉग करना तो बनता है। अब मैं वहाँ अभी थोड़ी देर में बस जस्ट मैं उठी हूँ। सो आई वोक अप लिटिल अर्ली टुडे बिकॉज 12 बजे का डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था टू गेट द प्लास्टर कट। ड्यूरिंग दिस एंटायर फेज ऑफ 2 to 2.5 months आई मैनिफेस्टेड सो मेनी गुड थिंग्स for my life and I kept on manifesting and thinking about good things that I want to achieve in my life, and trust me you guys, some of those dreams of mine even came true. So I actually got to realize what the power of manifestation means and how strongly it helps us in achieving goals in our life, and whatever we imagine, like all the good things that we imagine or manifest to achieve in our lives, that does come true, and that has happened with me as well. So now I have started believing in the power of manifestation. Agar hum sahi direction mein soche un sari cheezon ko, and I'll talk about the power of manifestation in some of my other videos, because yes, I did get what I was imagining throughout those times, because I so strongly manifested those things in my life ki wo sari cheeze bhagwan ne mujhe khud la ke de di. And I'm done with my daily rituals and ab I'm going to get ready. Breakfast bhi kar liya hai and I'm going to get ready because we need to visit the doctor. Doctor ke paas jaake ye plaster cut karwana hai. I don't know main wahan ka kitna record kar paungi because I'm still awkward filming in public places. Yeah, because I'm still awkward vlogging in public places. I'm still not that confident. Aur छोटू सा टाउन है तो और ऑकवर्डनेस बढ़ जाती है, बिकॉज सब लोग ऐसे स्टेयर करने लगते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आई डोंट नो मैं कितना वहाँ पे जाके व्लॉग या फिल्म कर पाऊँगी, बट देन आई थॉट ऑफ यू नो टेकिंग यू ऑल अलॉन्ग विद मी थ्रू द एंटायर डे, कि अब प्लास्टर कटने के बाद मुझे कैसा फील हो रहा है, नाउ माई एक्सपीरियंस इज गोइंग टू बी। तो आप लोग बने रहो मेरे साथ इस व्लॉग में, थोड़ी देर में आपको और ढेर सारे अपडेट्स देने वाली हूँ। मेरे नेल पेंट की हालत बहुत गंदी हो गई है, तो मैं सोच रही हूँ बिफोर गोइंग टू द डॉक्टर अभी वाई नॉट रिमूव द नेल पेंट, बिकॉज नेल्स की हालत बहुत ही गंदी लग रही है एंड मुझे खुद को ही नहीं अच्छा लग रहा है ऐसे जाने में। तो एटलीस्ट थोड़ा तो ग्रूमिंग सेशन हो ही जाए, थोड़ा बहुत टाइम है अभी मेरा नंबर आने में। सो आई रिमूव्ड माई नेल पेंट एंड अप्लाइड अ न्यू शेड, डोंट नो विच वन, बिकॉज उसका क्लिप यहाँ पे नहीं है, सो आई वोंट बी एबल टू एडिट हियर। डोंट नो इफ आई इवन अप्लाई अ नेल पेंट और नॉट, शायद नहीं। नेल पेंट रिमूव करने के बाद आई मेक श्योर टू मॉइस्चराइज माई नेल्स, थोड़ा हाइड्रेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है, बिकॉज रेगुलर यूज ऑफ नेल पेंट से नेल्स थोड़े ख़राब हो जाते हैं। सो हेयर आई एम एडिंग सम मॉइस्चराइजर ऑन माई नेल्स टू प्रोवाइड देम प्रॉपर हाइड्रेशन एंड मॉइस्चराइजेशन। आई एम फाइनली रेडी नाउ, रेडी टू लीव एंड डॉक्टर के पास जाने के लिए, एंड बहुत टाइम के बाद आज बाहर निकल रही हूँ, सोचा थोड़ी लिपस्टिक लगा ली जाए, तो बस मैंने लगा लिया, आप देख सकते हैं आई एम रेडी। ये मैंने एक प्लाजो पहन लिया है एंड टी शर्ट, दैट्स इट।
That's the look of the day. Yes, I'm ready now and अब थोड़ी देर में बस हम निकलने वाले हैं, डॉक्टर के पास जाने वाली हूँ and I'm like super excited, hoping कि मैं फिर से वापस चलने लग जाऊँ. तो अभी निकल चुकी हूँ बाहर और डॉक्टर के क्लिनिक पे थोड़ी देरी में पहुँच जाऊँगी. फिलहाल on the way to doctor's clinic. और ये रहा मुगल सराय का मार्केट. तो मार्केट से होते हुए अभी थोड़ी देर में क्लिनिक पहुंच जाऊंगी. इट हार्डली टेक्स 5-10 मिनट्स. सो फाइनली आई हैव रीच्ड द डॉक्टर्स क्लिनिक नाउ. And here I am waiting for my turn, looking at this plaster cutter machine. And ये plaster cutter को देख के ना मुझे बहुत डर लग रहा था. I was like shit scared because मैंने किसी का plaster कटते हुए देखा था और वो आदमी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था. Probably इसकी vibration से या फिर ये machine उसके पैरों में hurt कर रही थी. I don't know. So I was like shit scared. So I could not record the entire process of getting my plaster cut done. I'm inserting here a clip of how a plaster is cut and the entire process is being taken care of. क्योंकि मैं खुद का तो फिल्म नहीं कर पाई, but आप सबके रेफरेंस के लिए यहाँ पे एक क्लिप इंसर्ट कर रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इस तरीके से प्लास्टर कट किया जाता है. तो दे इंसर्ट अ स्केल इनसाइड द प्लास्टर इनसाइड द कास्ट एंड देन दे use this plaster cutter to cut the synthetic plaster. But जहाँ से मैंने अपना plaster या मतलब मैंने जहाँ से अपना cast remove करवाया वहाँ पर they were not inserting this metallic scale inside the cast. Rather वो directly इस cutter से plaster को cut कर रहे थे, जो कि मेरे लिए बहुत scary था. और उसके vibrations और से मुझे ना मुझे देख के बहुत डर लग रहा था. दूसरे का कटते हुए देख रही थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि वो बंदा काफ़ी चिल्ला रहा था कि लाइक एज इफ उसको बहुत हर्ट हो रहा है. और मुझे ये देख के इतना डेंजरस लग रहा था कि कहीं ये जो कटर मशीन है कहीं ये मेरे पैरों में ना लग जाए. सो आई वाज लाइक शिट स्क्योर्ड और मुझे लेटने को बोल दिया था तो मैं लेट गई थी. सो कुड नॉट फिल्म माइन कि मेरा वाला प्लास्टर कैसे कटा. So it's almost the same process that's being followed worldwide, I guess. ऐसे ही कट करते हैं ये सिंथेटिक वाला प्लास्टर. And this is the situation of my leg post getting the plaster removed. देख सकते हो कितना swollen लग रहा है. And the skin was peeling off badly. आप देख सकते हो ये मेरा normally मेरा leg. You can just compare both the legs like जो नॉर्मली जैसा दिखता है एंड दिस लेफ्ट वन पोस्ट गेटिंग द प्लास्टर रिमूव्ड. दोनों पैरों में कितना डिफरेंस है. लाइक देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. वन व्हिच इज नॉर्मल एंड द अदर वन दैट जस्ट केम आउट ऑफ द कास्ट. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. द लेफ्ट लेग इज कम्प्लीटली स्वॉलन. इट्स बीन ऑलमोस्ट एन ईयर नाउ एंड आई एम लाइक फाइन नाउ. I am able to walk as usual and it took me almost an year's time to share this all with you guys. A lot of guts to come up with this and put this across on social media. Like, it needs a lot of courage to put across such things on social media. Like at least for a person like me who has been a very reserved kind of a person throughout my life when it comes to my personal life. Like you know I prefer being reserved. तो ये मेरी बहुत बड़ी बात थी इतना सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना. चट्टे स्किन की हालत कितनी गंदी हो गई है. पैरों में अभी भी पेन है काफ़ी ज़्यादा. डॉक्टर ने 3 months बोला है इट विल टेक 3 more months टू रिकवर कम्प्लीटली. आई डोंट नो क्या होने वाला है. पहले तो थोड़ी स्किन केयर करनी ज़रूरी है. आज मैं बहुत अच्छे से उसको क्लीन करने वाली हूँ. बट बिफोर क्लीनिंग On top of it, the doctor he told me that I'm only 65% healed. तो अभी मुझे बाकी healing में बहुत time लगने वाला है. So it's going to take a few more months. Like it's going to almost involve like good 6 months to heal properly. Like वो भी properly वाला तो क्या ही बोलूँ. Like मतलब कि
प्रॉपरली चलने फिरने एंड अपने लेग्स पर प्रेशर डालने लायक मैं 6 months बाद बनूंगी, जैसा कि उन्होंने बोला. आई वॉन्टेड टू शेयर द एक्चुअल सिचुएशन ऑफ माई लेग पोस्ट प्लास्टर, द डिफरेंस इट हैज़ क्रिएटेड. आई मीन लुक एट द स्वेलिंग पार्ट. एंड अभी तो 6 months पूरे लगेंगे मेरे को, ऐसा डॉक्टर ने बोला है. सो एंड देन लेटर ऑन आई वॉच फ्यू वीडियोस ऑन यूट्यूब एंड गॉट टू रियलाइज दैट अगर किसी के साथ ऐसा प्लास्टर जैसा सिचुएशन हो जाता है, इफ़ यू ब्रेक योर लेग और आर्म्स और वॉट एवर, सो इट टेक्स ऑलमोस्ट 6 to 7 months फॉर अ पर्सन टू हील प्रॉपरली. वो भी कम्प्लीट हीलिंग नहीं होती है बिकॉज आई स्टिल कैन फील द पेन एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट एन ईयर नाउ एंड इट टुक मी ऑलमोस्ट एन ईयर टू गेन द करेज टू पुट दिस आउट अक्रॉस ऑन सोशल मीडिया, लाइक पुट दिस अक्रॉस लाइक दीज कास्ट वीडियोज. आई एम पुटिंग इट अक्रॉस ऑन सोशल मीडिया आफ्टर लाइक ऑलमोस्ट एन ईयर. आई एम कम्प्लीटली फाइन नाउ बट आई वॉज नॉट ओके देन. लाइक इट टुक अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम टिल डेट. आई कैनॉट हैंग माई लेग्स एंड सेट फॉर लॉन्ग. आई नीड टू गिव देम सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट वाइल आई एम एट वर्क और डूइंग समथिंग एल्स. लाइक आई कैनॉट सेट फॉर लॉन्ग हैंगिंग माई लेग्स एंड ऑल्सो ड्यूरिंग दोज टाइम्स ऑफ अ मंथ इट पेन्स बैडली. लाइक यू नो ऑल ऑफ अ सडन एक पेन स्टार्ट हो जाता है पैरों में. तो ये सारे हैं इश्यूज़ पोस्ट फ्रैक्चर जो आपको फील होते रहेगा. लाइक यू नो कॉन्स्टेंट पेन और वाइल वॉकिंग या फिर जो भी एरिया आपने हर्ट किया वहाँ पे एक पेन आपको फील होगा, वो पूरी तरीके से ठीक नहीं होता है. बट थैंकफुली आई डिडंट ऑप्ट फॉर द ऑपरेशन थिंग. लाइक यू नो एक डॉक्टर ने मुझे ऑपरेट करने के लिए बोल दिया था दैट ही विल बी इंसर्टिंग अ प्लेट टू विच आई डिनाइड एंड आई जस्ट वेंट फॉर द रेगुलर जेनेरिक प्लास्टर थेरेपी जो होता है थेरेपी है बोलूँगी इसको. तो जो भी रेगुलर कास्ट ऑफ प्लास्टर का प्रोसेस होता है आई जस्ट ऑप्टेड फॉर दैट कि मुझे सिंपल प्लास्टर ही कराना है, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना अपने पैरों का. एंड ऑल्सो जब प्लास्टर कटाना तो मुझे लगा कि मैं तुरंत से चलने लग जाऊंगी. जस्ट लुक एट द सिचुएशन ऑफ माई लेग, इट वॉज सो स्वोलन. मैं पैर ज़मीन पर रख के चल भी नहीं पा रही थी. तो डॉक्टर ने मना भी किया कि अभी ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है और स्टेयर्स वगैरह नहीं चढ़ना है, 3 महीने के बाद ही आप स्टेयर्स वगैरह चढ़ सकते हो बिकॉज अभी पैरों पर जितना मिनिमम प्रेशर डाल सकते हो उतना ही, मतलब बहुत धीरे धीरे चलना है, कम चलना है एंड बहुत ज़्यादा चलने की फिरने की कोशिश नहीं करनी. तो जो मेरे प्लान्स थे ना कि मेरे प्लास्टर कटेगा तो आई विल डू दिस, I'll do that, I'll go out, I'll do so much of stuff जो मैं नहीं कर पा रही थी, वो सारा कुछ तो मेरा प्लान जो है ना वो मिट्टी में मिल गया बिकॉज मैं तो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और कुछ करना तो बहुत दूर की बात थी मेरे लिए. तो आई वॉज लाइक सो डिसअपॉइंटेड एंड सो what should I say, I was literally feeling hopeless post getting the cast removed. उसके पहले तक तो I was फिर भी fine कि अरे चलो ये 2 महीने का time निकल जाएगा, कट जाएगा तो फिर मैं सब कुछ as usual करने लग जाऊँगी. but उस प्लास्टर हटने के बाद भी लाइफ डेंट गेट बैक टू नॉर्मल, इट वॉज स्टिल द सेम. सो लाइक यू नो गुड 3-3.5 months तो मेरे को चलने में इतनी मुश्किल हो रही थी. तो लाइफ वॉज नॉट द सेम पोस्ट दिस कास्ट थिंग.